अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी हैं बिल्कुल ठीक। और जी आज है 26 जनवरी, तो यानी कि आज है 26 जनवरी रिपब्लिक डे, है ना? रिपब्लिक डे बोलते पता तो है, बस उसे कंफर्म कर रही थी। तो जी आप सभी को 26 जनवरी बहुत बहुत मुबारक हो, जितने भी हमारे इंडिया के सब्सक्राइबर्स हैं और जो इंडिया से बाहर भी रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं, सबको 26 जनवरी बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो जी ये हमारा रिपब्लिक डे होता है। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, उनको बता दूं कि आज के दिन भी यहाँ पर मतलब बहुत अच्छे से मनाया जाता है। जैसे पिछली बार मैंने बहुत अच्छे से खाना बनाया था, मतलब मोस्टली हर त्यौहार पे मेन ये रहता है खाना, फूड। फूड बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो बस वही आज हमारे लिए भी वही इम्पोर्टेंट दिन है कि हम क्या खाना बनाएं। तो मैंने सोचा है रात को तो मैं बनाऊंगी सब्ज़ी, कीमा आ चुका है तो मैं कीमा मटर आलू बनाऊंगी। और अभी मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा नाश्ता तो हो चुका है, दोपहर का टाइम हो रहा है, मैंने सोचा चलो पकौड़े वगैरह बना लेते हैं, शाम के भी काम आ जाएंगे। तो गोभी के और आलू के मैं पकौड़े बना रही हूँ आज। और बस क्या बताऊँ इसे, अच्छी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ आज मैं, ठंड ज़्यादा लग रही है मुझे। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, जब मैंने कल वीडियो डाला था तो उन्होंने बहुत बड़ा प्लीज़ बोला था मुझे, गौरी करके उनका कुछ नाम है, और उन्होंने बोला था कि प्लीज़ मेरा नाम लेके दुआ कीजिएगा कि हमारे औलाद हो जाए। तो अल्लाह ताला प्लीज़ 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 अल्लाह पाक मेरे पाक परवरदिगारे आलम बेकस पे रहम करना, और जो भी लोग बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनकी औलाद वाली खुशी तू जल्द से जल्द अता कर, औलाद की खुशी तू सबको दे। अल्लाह ताला उनको चांद सा बेटा दे या चांद सी बेटी दे, जो भी उनको चाहिए उनकी गोद भर दो, सुनी मत रखो। और बहुत लोग कहते हैं जब इस तरीके से कि आप ये हमारे लिए दुआ कीजिएगा, तो बहुत खुशी होती है कि आप लोगों ने इस काबिल हमें समझा कि हम दुआ करें। और दुआएं तो देखो हमेशा होती रहती हैं, दिल से सबके लिए होती हैं, कि हमारी दुआ अगर किसी को लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये कहना कि अभी हमारे लिए दुआ करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप लोग इतनी इज्जत और इतना प्यार देते हो उसके लिए, तो थैंक यू शब्द, शुक्रिया शब्द शायद बहुत छोटा सा है, और मतलब उसके पीछे की जो फीलिंग है ना वो बहुत बड़ी है। तो अल्लाह ताला जो भी लोग बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उनको औलाद की खुशी अता फरमा देना, साथ खैरियत से उनको औलाद वाला बना, क्योंकि औलाद का गम जो होता है ना, औलाद ना होने का गम, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मेरी जो औलादें हैं वो मुझे बहुत मेहनत से मिली हैं। देखो मेहनत सभी करते हैं, बट किसी की होती है नॉर्मल, और मेरे लिए मेरी हर चीज़ अब नॉर्मल रही है, थोड़ी सी बहुत क्रिटिकल रही है। मेरे हेल्थ इश्यूज़ जो शुरू हुए हैं वो मेरे इन्हीं चीज़ों की वजह से स्टार्ट हुए हैं। आप लोग हमेशा जिक्र करते हो कि अभी आप अपने फर्स्ट बेबी के बारे में बताओ, रूहान के बारे में बताओ, तो रूहान वो इतना सेंसिटिव टॉपिक है मेरे लिए कि मैं जब बताऊंगी तो पता नहीं मैं बता भी पाऊंगी या नहीं, तो उसके लिए मुझे बहुत सारी हिम्मत जुटानी पड़ेगी बोलने के लिए, क्योंकि 10 मिनट में 15 मिनट में मैं अपनी वो जर्नी नहीं बयान कर सकती, उसके ऊपर पूरा एक व्लॉग शूट होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उसमें मैं आपके साथ अपने बच्चे की फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर करूँगी, उसकी चीज़ें भी शेयर करूँगी जो आज भी मैंने छुपा के रख रखी हैं, जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती, इवन मैं किसी को दिखाती भी नहीं हूँ। तो रूहान मेरे लिए मेरा बहुत ही दिल का वो चीज़ है, बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, जो कि जब कोई छूता है तो मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो उस चीज़ को मैं संभलूंगी करूंगी। अगर आप लोग, बहुत लोगों ने बोला है कि अपने फर्स्ट बेबी की जर्नी शेयर करो शेयर करो शेयर करो, जब तक मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं आएंगे इस चीज़ को लेके, मैं इस चीज़ को बाहर नहीं लेकर आ सकती। तो अगर आपको जानना है तो आप मुझे ढेर सारे कमेंट करिएगा, बहुत ढेर सारे कमेंट करिएगा। कम से कम मेरे पास अगर 50 कमेंट्स भी रूहान के लिए आते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ मांगी मैंने आप लोगों से, अगर आप लोग 50 कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि आप रूहान के बारे में बताइए, तो इंशाल्लाह मैं शेयर आप लोगों के साथ फिर करूंगी। तो इसलिए ये
मेरा वो है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लोगों को एटलीस्ट 50 कमेंट्स मेरे तक पहुंचाने होंगे रूहान से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी जो लोग भी औलाद है, अल्लाह ताला उनकी वो औलाद की खुशी जल्द से जल्द फरमाए, और मेरे जो वर्ड्सिंग होते हैं ना उन्हें पकड़ा मत करा करिए। मैं जो बोलती हूँ ना वो बहुत क्लियर बोलती हूँ, शायद सुनने में गलती हो जाती। मैंने तब भी बोला था रेशमा जी के लिए कि उनको चांद सा बेटा या चांद सी बेटी दे, तो उस पर आ गए कि अभी ऐसे नहीं बोलना, आपने गलत बोला। तो मैंने गलत नहीं बोला था, आप लोगों को सुनने में दिक्कत हो रही होगी। तो बस अब हम चलते हैं, हमारा हो गया है तेल गरम पकोड़े बनाने के लिए, और गर्मा गर्म पकोड़े बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जनाब, अब हम लोगों ने अपनी आस्तीन चढ़ा ली है, और यहाँ मैंने गोभी का डाल दिया है। तेल मेरा मीडियम ही आँच पे है, तो हम डाल देंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमने डाल दिए अपने पकौड़े, बिस्मिल्ला। और जब कोई काम अल्लाह का नाम लेके शुरू करा जाता है ना, बिस्मिल्लाह करके करते हैं, तो अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देते हैं, रहमत डाल देते हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं कोई भी काम करूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करूँ, उसमें अल्लाह की मर्ज़ी राज़ी शामिल हो जाती है। तो चाहे कुछ भी हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे चाय पकाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो कोशिश ये करा करें। वैसे तो आप सब लोग पहले से ही बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे इतना बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं काफ़ी अच्छे कढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा पकौड़े डालूंगी। और पता है मेरे ना गोभी के पकौड़े फेवरेट हैं, बहुत फेवरेट हैं। गोभी के पकौड़े हो गए, गोभी के परांठे हो गए, तो ये सब मेरे बहुत फेवरेट है। यहाँ पर मैंने गोभी धो के काफ़ी देर से ना रख रखा था, ताकि जो वो है ना पानी वो निकल जाए इसका। मैंने 3-4 बार डीप पानी में निकाल लिया था। तो वैसे तो अभी मौसम की गोभियों में कोई कीड़ा वीड़ा नहीं होता है, अदरवाइज़ अगर फिर भी होता है तो वो निकल जाए, इसलिए हम डूबे हुए पानी में गोभी को रखते हैं और फिर इस तरीके से करके निकाल देते हैं। तो ये है। वैसे ना आज मैं छोले भटूरे बनाने जा रही थी, बट फिर आसिफ जी ने बोला कि कुछ नॉनवेज खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा जो हुक्म मेरे सरकार, आपकी डिमांड सर आँखों पे। तो आज हम छोले भटूरे ना बना के ये बना लेते हैं। छोले भटूरे मैं बनाऊंगी अपनी कुछ दिन में, कोई मेन ओकेजन होगा, या फिर मैं सोच रही थी अपनी एनिवर्सरी पे इस बार छोले भटूरे बनवा लेती। आप लोगों को याद है मेरी एनिवर्सरी? याद है तो कमेंट करके बताना कि किस तारीख को मेरी एनिवर्सरी होती है, मैं भी तो देखूं। आप लोग कहते हैं ना अपी अप से हम बहुत प्यार करते हैं और ये और वो, तो प्लीज़ किस किस को मेरी एनिवर्सरी याद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्द से जल्द। और अभी हम इनको छेड़ेंगे, जो हो चुके हैं उनको छेड़ लेते हैं, और जो भी डले हैं उन्हें नहीं छेड़ेंगे हम, काय को छेड़ें हम उनको, अभी ना छेड़ने के हम थोड़ा टेम लेंगे हम उन्हें। देखेंगे पता है क्या हुआ, नेक्स्ट व्लॉग जो मेरा आने वाला है ना, अभी एक सेकंड मैं आपसे बात करती हूँ ज़रा। तो पता है मैं आपको बता रही थी, पीछे मत देखिएगा, पीछे मैंने सारे कपड़े सुखा रखे हैं, कपड़े 3-4 दिन से डेली धुल रहे हैं और बस सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। वॉशिंग मशीन पूरी खाली पड़ी हुई है, क्योंकि एक भी गंदा कपड़ा नहीं है, बट सूखे भी नहीं हैं, क्या कर सकते हैं, सर्दी, हाय हाय ये सर्दी। बट अब बोलते हैं, मम्मी बोलती है जब 26 जनवरी हो जाती है ना, उसके बाद ठंडे जो होती है ना वो कम हो जाती है, और लिटरली मुझे आज इतनी नहीं लग रही है। वैसे तो मुझे बहुत ठंड लग रही है, बट इतनी नहीं लग रही जितनी हवा लगती है। और पता है मैं आपको बताऊँ, शादी से पहले मैंने कभी सॉक्सेस नहीं पहने, कभी भी नहीं पहने, शादी से पहले सॉक्सेस नहीं पहने मैंने, कभी शॉल नहीं ली इस तरीके की, बस एक स्वेटर होता था, और कोई ऐसा नहीं है कि मैं गर्म सूट या गर्म पजामियाँ मैंने पहनी हो, कभी नहीं, नॉर्मल सूट होते थे, और बस सर पे स्कार्फ भी मैंने कभी नहीं बांधा शादी से पहले, कभी भी नहीं। इतने स्ट्रॉन्ग थे तो हम बस काम करते रहते थे, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, भाई से छोटी मैं ही हूँ, 4 बहनें हैं, हम सबसे बड़े भैया हैं, उनके बाद मैं हूँ, और मेरे बाद बुलबुल है, जुमजुम वर्ल्ड की अपनी, फिर अन्नू, फिर मिनाल, हम ऐसे हैं। तो मैं इतना काम करती थी कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कि मैं शॉल वगैरह लूँ और कैरी करके उसको बैठूँ, कभी नहीं हुआ, हम लोग काम करते रहते थे, ऐसे होता था। और मैंने बहुत जल्दी पढ़ाई छोड़ दी थी, मैंने सारे भाई बहन ग्रेजुएट हैं और मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैं सिर्फ 10th पास हूँ, तो बस 10th ही मैंने क्लियर करा था, उसके बाद फिर मैंने क्लियर ही नहीं करा 10th के बाद, क्योंकि मेरी मम्मी के हेल्थ इश्यूज भी रहते थे, उनको भी बहुत छोटी उम्र में शुगर हो गई थी, तो इसलिए मुझसे तो पहले नहीं हुई थी, मेरे को मम्मी से भी पहले शुगर हो गई है, बट कोई नहीं। तो मैं काम बहुत करती थी,
बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बंदा काम करता है उसको ठंड नहीं लगती है, मुझे भी नहीं लगती थी, लेकिन शादी के बाद भी इतनी नहीं ली, लेकिन हाँ जैसे जैसे मतलब बेबीज होते गए, सी सेक्शन होते गए, मेरे 3 सी सेक्शन हुए हैं, ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे 3, और ये जो अल्किया वाला जो ऑपरेशन था ना, इसने तो मेरी ज़िंदगी ही हिला दी, पूरी की पूरी मेरी ज़िंदगी पलट दी अल्किया ने। मेरी हेल्थ के साथ इतना खिलवाड़ हुआ है कि बस मैं मरते मरते बची थी, और अभी भी मेरे बॉडी के अंदर इतनी जान नहीं रहती, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, और ठंड मुझे इतनी लगती है कि मैं कभी भी बिना नी कैप्स, बिना सर पे रखे हुए और बिना सॉक्सेस के मैं कुछ काम नहीं कर सकती, कुछ भी। पहले मैंने कभी भी वॉशिंग मशीन से पानी नहीं निकाला, क्योंकि जान की तो हम खुद निकालते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि शरीर में जाने का ऑक्सीजन ने ड्रायर ठीक करा के दिया कि नहीं तुम ऐसे करो का मत करा करो। अब वही है कि बॉडी से जान जो है ना जाती जा रही है, जाती जा रही है। अल्किया ने हमें काफ़ी तोड़ दिया इस ऑपरेशन ने, मेरी बहुत और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुआ। देखो मेरे जो सर के बाल हैं ना, वो भी बहुत कम होते जा रहे हैं। आप लोग बोलते हो कि आपके सर के बाल हैं, अभी मैं एक ट्रीटमेंट ले रही हूँ और उसका रिज़ल्ट मुझे दिख रहा है, आप लोगों के सामने है मेरा सर, तो इंशाल्लाह जब वो पूरा अच्छे से होगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो भी। और बाल वापस तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ मेरे आ रहे हैं वापस बाल। और हम लोगों ने पता है वो भी सोचा था, आशीष ने बोला मैं तुमको हेयर ट्रांसप्लांट करवा देता हूँ, वो एक्सटेंशंस जो होते हैं वो लगवा देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो पार्लर में तो किसी से करवा देंगे, बट उससे नमाज़ नहीं होती है। तो मैंने कहा नहीं, कोई भी डुप्लीकेट चीज़ से, जैसे कि आपको पता है जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको पता है कि आर्टिफिशियल चीज़ों से मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती हूँ, मेरी खुद की जो चीज़ें, मैंने कहा नहीं बचेंगे ठीक है, नहीं बचेंगे तो मैं पूरा मुंडवा लूँगी, हिजाब में आ जाऊँगी, बट जो है बस यही है, आर्टिफिशियल मैं नहीं करवाऊँगी। तो बस यही है, और मेरे पकौड़े ऑलमोस्ट बन के तैयार, तल गए हैं। देखो बातों बातों में पता ही नहीं चला काम कब हो जाता है। चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, पकौड़े जब बन जाएंगे तब। तो जी फाइनली बन चुके हैं हमारे पकौड़े, और ये रहे हमारे पकौड़े, देख लीजिए आप, आलू के और गोभी के। और आपको कर रही है हाय गाइस, नैद भी कर रही है हाय गाइस, उन लोगों ने खा लिया है खाना, उन्होंने इंजॉय करा है अपने पकौड़े। अब बारी है मेरी, मम्मा को भी मैं दे आई हूँ, मिनाज मम्मी भाभी इन सब के लिए भिजवा दिए हैं पकौड़े, वो लोग वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे ठंड में भाई सब मज़ा आ जाता है जब पकौड़े मिल जाते हैं। और चलो पहले पकौड़े खा लेती हूँ, फिर उसके बाद बातें करूँगा। आज का ब्लॉग बहुत सारी बातों का हुआ है बेटी। अल्फिया को देखिए शान। तो बस यही है हमारा आज का वो है, वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। और पता है मैं आज के दिन, हम लोग जब स्कूल में थे ना तो हमारे इतने कंपटीशन हुआ करते थे, तो मैं और बुलबुल हमेशा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा करते थे, तो कभी डांस में कभी गाने में। हालांकि मैं बहुत बेसुरी हूँ गाने के लिए, लेकिन मेरा बड़ा मन करता था, मैंने एक बार बोला गाना गाया था अपने स्कूल टाइम में, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। क्या हो रहा है ये बच्चे, मुझे कुछ करने नहीं देते। तो बस हैप्पी रिपब्लिक डे, और हम करते हैं अपना गर्मा गर्म चाय नाश्ता, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी सी देर बाद। तो जी ये हैं छोले भटूरे, ये आए हैं मम्मी के यहाँ से, अभी अभी भाभी ने दिए हैं। तो बस ये आज का हमारा डिनर एक और बढ़ गया, अभी तो हमने मटर पनीर, मटर और आलू कीमा बनाया है, ये सूजी का हलवा भी बनाया भाभी ने। तो बस हमारा खाना भी रखा हुआ है, ये वाला खाना भी है, तो चलो खा लेते हैं, पहले ये खा लेते हैं फिर अपना खाना खा लेंगे, है ना, ये सही रहेगा। आज इंडिपेंडेंस, सॉरी रिपब्लिक डे को ज़्यादा ही अच्छा मन रहा है हमारा। अच्छा जी, तो मज़ेदार सा सालन बनके हो चुका है तैयार, आप भी आ जाइए डिनर कर लीजिए। टाइम बज रहे हैं 9:30 और हमारा खाना तैयार है, बच्चे भी खाने के लिए वेट कर रहे हैं, तो ज़रा मैं निकाल लेती हूँ खाना, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। प्लेट में सब्जी थी, मैंने गरम करके खा ली थी, ये निकालो अपने लिए निकालो, ये हमारा है।
रहते हुए निकाल दो। चलो जी फिर हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट ज़रूर करिएगा मेरे वीडियो पे, कमेंट कर दीजिएगा। और ये दो गंदे से बच्चे बैठे हुए हैं, शैतान से बच्चे, इनकी तो बहुत पिट्टी होनी चाहिए, इतने बदतमीज हो गए हैं। चलो जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।